नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और इस वीडियो में बताऊं कि अगर आपको आपके बैंक से कोई भी शिकायत है, क्रेडिट कार्ड का कोई फ्रॉड इश्यू या किसी और तरह की समस्या है आपके बैंक से या क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन कैसे कर सकते हैं और उस कंप्लेन को आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं। और ऑफलाइन कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है, उसकी सारी डिटेल ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के कवर कर चुकी हूँ, वो आप जरूर देखें। या आप देखिए, मैंने गूगल ओपन किया है, यहाँ पे मैंने RBI डाला है, तो उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे जो मेन पेज है, इसमें लोज अ कंप्लेन में आपने जाना है और यहाँ पे फाइल अ कंप्लेन। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन है, आप बैंक के लिए भी यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं, NBFC अगर आपकी कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसके लिए भी यहीं से कंप्लेन कर सकते हैं, और सिस्टम पार्टिसिपेंट जो बैंक और NBFC को छोड़ के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन सबको सिस्टम पार्टिसिपेंट में वो आएंगे, तो यहाँ से आप उनके लिए कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बैंक के लिए दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर वही डालिए जो कि आपका बैंक में भी रजिस्टर्ड हो। अब यहाँ पे आपने जो एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंप्लेन क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है या बैंक की ओवरऑल सेंट्रल सर्विस से रिलेटेड है, लाइक वेबसाइट नहीं चल रही है, ऐसा कुछ भी इश्यू, तो आपको अपने बिलिंग एड्रेस के हिसाब से एरिया ऑफ ऑपरेशन चूज करना है। तो बैंक के रिकॉर्ड्स में जो भी आपका बिलिंग एड्रेस है, मीन्स कम्युनिकेशन एड्रेस है कस्टमर का, उसके हिसाब से आपने ब्रांच चूज करनी है। लेकिन अगर आपकी जो कंप्लेन है वो किसी बैंक ब्रांच से रिलेटेड है, तो आपकी जो होम ब्रांच है वो एड्रेस आपको डालना है, होम ब्रांच जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, तो उस ब्रांच को बोलेंगे होम ब्रांच, उसका एड्रेस या उस एरिया को सिलेक्ट करके आपने यहाँ से डालना है। ये जो बैंक की कैटेगरी है ऑटोमेटिकली आएगी। सपोज आप फॉरेन बैंक सेलेक्ट करेंगे तो फॉरेन बैंक आएगा, अगर गवर्नमेंट बैंक है तो नेशनलाइज्ड बैंक, अदरवाइज प्राइवेट बैंक, तो ऐसे अपने आप से आएगा। इस कंप्लेन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड यस और नो, अगर आप यस करेंगे तो थोड़े कॉलम कम हो जाएंगे, यही डिटेल आपको डालनी है। अगर नो करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्रांच भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की मैंने ब्रांच। आपके बैंक से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स और उनके नए इंटरेस्ट रेट्स, डिफेंस फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस से जुड़ी हुई ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उस पे क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आई तो यहाँ से वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ यहाँ से शेयर करें। सेलेक्ट की है, नेम ऑफ कंप्लेनेंट वही होना चाहिए जो कि आपका बैंक रिकॉर्ड्स में नाम है। ईमेल आईडी आप डालेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आए नेक्स्ट करने के बाद, अगर आपकी कंप्लेन सब जुडिसी में है या आर्बिट्रेशन में है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो। सब जुडिसी का मतलब है अगर आपकी कंप्लेन किसी कोर्ट में है अंडर ट्रायल या ऑलरेडी प्रोसेस आपने कर दी है और वहां पे पेंडिंग है। आर्बिट्रेशन का मतलब है क्या ये मीडिएशन के बीच में है, इसका मतलब जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन की है, लाइक बैंक है और आप हैं, उन दोनों के बीच में कोई इसको सुलझाने की कोशिश हो रही है तो उसको मीडिएशन बोलेंगे। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल वे में दिखा रही हूँ, हैव यू मेड अ रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेन टू द बैंक। तो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि सबसे पहले आपको बैंक में ही कंप्लेन करना है। बैंक को आपने कंप्लेन करने के बाद 30 दिन का टाइम देना होता है, अगर वहां से जो रिप्लाई आता है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है या बैंक का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो ही आपने बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन रजिस्टर करनी है। तो आप यहाँ पे यस करेंगे, विदाउट बैंक कंप्लेन आप डायरेक्टली बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन नहीं कर सकते, ये रिजेक्ट हो जाएगी। डेट ऑफ कंप्लेन आपने यही डालनी है जब आपने कंप्लेन रजिस्टर की थी। अब मैं यहाँ पे जो कंप्लेन कैटेगरी ले रही हूँ ये सिर्फ ATM और डेबिट कार्ड की लेके दिखा रही हूँ, कि अगर आप ATM मशीन पे जाते हैं, कैश निकालते हैं, लेकिन अमाउंट कट जाता है और आपके हाथ में पैसा नहीं आता, जिसपे मैं ऑलरेडी दो वीडियोस बना चुकी हूँ, अच्छे से डिटेल्स कवर किए कि कैसे आप पैसा वापस ले सकते हैं, पूरा कंप्लेन प्रोसेस वो आप देखें। तो इसका एग्जाम्पल लेके मैं कंप्लेन कैसे रजिस्टर करते हैं वो दिखाती हूँ। ग्राउंड ऑफ कंप्लेन, अमाउंट डेबिटेड बट कैश नॉट डिस्पेंस्ड बाय ATM, ये सबसे बड़ी कंप्लेन है। तो ये जब आप कंप्लेन सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसके बाद जो ये नीचे है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको ये सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
ज्यादातर केसेस में जब बैंकिंग ओम्बर्समैन के पास कंप्लेन रिजेक्ट हो जाती है, बिकॉज आप रीजंस अच्छे से सिलेक्ट नहीं करते हैं और जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है बैंकिंग ओम्बर्समैन का वो भी अच्छे से सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो इन चीजों का ध्यान दें। हैव यू रिसीव्ड रिप्लाई फ्रॉम बैंक? तो येस और नो, यहाँ पे अगर नो करेंगे तो, अगर येस करेंगे तो आपको डेट डालनी है। तो यहां से मैं एक डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, 4th दिसंबर। देन नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट पेज आया है इसमें कंप्लेनेंट की डिटेल्स हैं, नेम ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ से, मेल फीमेल, जो आपकी एज है एज ऑन डेट, देन कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है लाइक इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन, तो ये जो भी कैटेगरी है वही आपको अप्रोप्रिएटली फिलअप करनी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपने आप आ गया, यहाँ से भी आप मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं अगर आपको फिर भी डाउट आए तो। फोन नंबर मैंडेटरी नहीं है, जो स्टार मार्क्ड है वही मैंडेटरी है। तो यहाँ से एड्रेस वही डालिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स में है या बैंक में रजिस्टर्ड एड्रेस है। तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई हैं। तो जिस डेट को हुआ था ये इश्यू, उस वही डेट आपने डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन की डेट में डालना है। इज योर कंप्लेन अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ अ रेगुलेटरी एंटिटी? क्या ये किसी वॉलेट के अगेंस्ट है, लाइक पेटीएम का वॉलेट है या बैंक का कोई वॉलेट है? तो येस और नो आप सेलेक्ट करेंगे। तो मैं सिंपली एटीएम कार्ड की कंप्लेन डाल रही हूँ तो मैं नो सेलेक्ट करूंगी। इज योर कंप्लेन अगेंस्ट अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट? कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं ना, जैसे आप सपोज एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हैं या एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे शॉप हैं जो जिनके साथ बैंक टाई अप कर लेते हैं और अपनी जो सर्विसेज हैं उन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स या जो शॉपकीपर्स हैं उनके थ्रू लोकल जो विलेजर्स हैं या स्मॉल टाउन के लोग हैं उनको देते हैं। तो इस केस में बैंक की भी बहुत सारा टाइम या बहुत सारे एफर्ट्स बच जाता है, और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वही बैंक्स की सर्विसेज को लोकल एरिया में प्रोवाइड कराते हैं। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट है येस नो? तो नो, क्योंकि मैं ईटीएम की कंप्लेन कर रही हूँ, ये सिर्फ बैंक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपने अकाउंट कैटेगरी में चूज करना है, जैसे मैंने कार्ड्स किया है, एटीएम कार्ड चूज किया था, तो डेबिट कार्ड, देन डेबिट कार्ड का नंबर, देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जितना सपोज आपका पैसा कट गया और आपको नहीं मिला वो आपने यहाँ पे डालना है। कंपनसेशन का मतलब है कि अगर आपको लगता है कोई मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, मेरा टाइम लॉस हुआ है, मेरा कुछ और लॉस हुआ है अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन के अमाउंट के, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ सपोज 5,000 का मुझे और कंपनसेशन चाहिए क्योंकि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, मेंटली मुझे हैरेसमेंट हुई, ये आप कंपनसेशन डाल सकते हो। एंड ये 1 लाख रुपीज तक आपको मिल सकता है। तो फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेन आपने पूरा डालना है, लाइक यू विजिटेड दी एटीएम और दिस बैंक एंड ऑल, जो भी हुआ वो सब आपको यहाँ पे फैक्ट्स ऑफ कंप्लेन में डिस्क्राइब करना है। मैक्सिमम 4,000 कैरेक्टर्स तक आप डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, देन क्लिक, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, देन नेक्स्ट। अब अगर आपको इसके अंदर नॉमिनेशन डालना है तो आप यस करेंगे और नॉमिनी का नाम डालेंगे, अदरवाइज नो। तो नॉमिनेशन डालने का मतलब यह होता है कि बाय चांस इस कंप्लेन रजिस्टर करने के और ट्रैक या रिजोल्यूशन आने में आरबीआई की तरफ से थोड़ा टाइम लग जाता है, उस बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये कंपनसेशन किसको जाएगा? तो आप यस करेंगे तो नॉमिनी की डिटेल्स आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं जैसे, और उसके बाद नेक्स्ट करना है, सिंपल यही प्रोसेस है। तो अदरवाइज नो। तो यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे जो कोड है ये आपने डालना है, अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। ये जो फाइल्स हैं ये बेसिकली प्रूफ होगा कि आपका जो कंप्लेन है, आपका अमाउंट कब कटा, सारी चीजें जो भी आपके पास प्रूफ है अपनी कंप्लेन को प्रूव करने के लिए, वो सारी फाइल्स आपने यहाँ पे अटैच करना है। अब यहाँ पे साइज दिया है कि 2 MB से ज्यादा साइज नहीं होना चाहिए आपके अटैचमेंट का, और मैक्सिमम आप 5 फाइल ही अटैच कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल का जो साइज है वो आपको नहीं पता है, तो आप उस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाकर उसका साइज चेक कर सकते। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट फाइल्स में जाएंगे और जो भी आपको फाइल अपलोड करनी है वो आप अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, सबमिट होने के बाद आपका कंप्लेन नंबर आ गया है, ये आप नोट कर लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे तक आपको ट्रैक करने के लिए इसी कंप्लेन नंबर की जरूरत होगी होगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी कंप्लेन जो आपने रजिस्टर की है उसकी कॉपी, और यहाँ से आप इसको, ये देखिए ये आपके पास आ गई है, तो आप इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। तो जो जो डिटेल्स आपने डाली वो सब इसके अंदर है। अब बताती हूँ कि अपनी कंप्लेन को आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं। ये गूगल में मैंने RBI डाला है, RBI की जो वेबसाइट है उस पर मैंने क्लिक किया है लोजर कंप्लेन में। यहाँ पे अगेन आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, तो ये ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ, इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं कि RBI के डिप्टी गवर्नर को आप अपील कैसे कर सकते हैं बैंकिंग ओम्बर्समैन के डिसीजन के अगेंस्ट। तो अगर आपकी कंप्लेन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है, जो भी सॉल्यूशन आता है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो जब ये डिसीजन आता है बैंकिंग ओम्बर्समैन का, उसके 30 दिन के अंदर आपको ये अपील फाइल करनी होती है RBI के डिप्टी गवर्नर को। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि जो कंप्लेन आपने यहाँ से रजिस्टर की थी आप उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो ट्रैक योर कंप्लेन में आप जाएंगे, यहाँ पे आपने वही कंप्लेन नंबर डालना है, उसके बाद ये कैप्चा डालना है, देन सबमिट। उसके बाद आपकी कंप्लेन की सारी डिटेल्स आ गई है। अब ये कंप्लेन रजिस्टर्ड के स्टेज में है, फर्स्ट स्टेज में, तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अदरवाइज जैसे जैसे इसकी स्टेज बढ़ती जाएगी आपको पता चलता जाएगा। और यहाँ पे कंप्लेन क्लोज अगर हो गई है तो क्लोज्ड, अगर आपको और डिटेल्स पता करनी है तो यहाँ से क्लिक हेयर। तो ये OTP आपने डालना है जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा, उसके बाद कैप्चा, ये देन ओके। इसके बाद ये सारी डिटेल्स आ गई हैं। अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, बैंकिंग ओम्बर्समैन का डिसीजन आ चुका है, तो आप बैंकिंग ओम्बर्समैन के डिसीजन के आने के बाद, तो जैसे ही ये कंप्लेन क्लोज स्टेटस में दिखाई देगी उसके बाद आप ये अपील फाइल कर पाएंगे। यहाँ से भी कर सकते हो, और ऑलरेडी अपील कैसे फाइल करें उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप देख सकते हो। तो ये थी मेरी वीडियो, इसके अलावा मैंने वीडियोस बनाई हैं बैंक अकाउंट फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, वो भी आप देख सकते हैं कि आप अपना पैसा वापिस कैसे ले ऐसे फ्रॉड के केसेस में। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो के नीचे ही सब्सक्राइब लिखा है, आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये बेल आइकन घंटी का निशान आएगा, उस पे क्लिक करके आपने ऑल सेलेक्ट करना है। वीडियो पसंद आई तो यहाँ से वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ यहाँ से शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।